चलो यार मस्त करके गए नहा धो के सुबह सुबह गए कपड़े वपड़े पहन के मैं रेडी हो गया हूँ भाई ऑफिस जाने के लिए। ठीक है सिंचन भाई, जा रहा हूँ भाई मैं ऑफिस। ठीक है लेकिन सिंचन के बच्चे तू सो रहा है, तू तो बोला था कि भाई सुबह सुबह भाई तू आँख खोल खोल के देखेगा मुझे। बढ़िया यार सनराइज हो रहा है गए, कितना मजा आता है यार सुबह उठने में। गए जब सो रहे होते ना और अलार्म बजता है उसके बाद तो गए उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन हाँ गए जब उठ के नहा लेते ना उसके बाद मन करता है भाई, मतलब मन अच्छा हो जाता है। मैं ये कहने वाला हूँ अब बात सब बोले कहाँ जा रहा है सुबह सुबह, अब चौप तेरे को नहीं बताया था मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बता दियो सिंचन को। वैसे गाइस मैं आपको सच्चाई बताता हूँ आखिरकार मैं जा कर रहा हूँ, गाइस मैं कहीं ऑफिस वॉफिस नहीं जा रहा। पिछले 2 महीने से गाइस मेरी ना ऑफिस की छुट्टियाँ चल रही थी और गाइस अब भाई मैं ऑफिस गया ना परसों तो भाई बॉस ने मेरे को ऑफिस से ही निकाल दिया। लेकिन गाइस मैं नहीं चाहता कि भाई सिंचन को पता लग जाए कि भाई मैं ना ऑफिस से निकल गया हूँ, इसलिए गाइस सुबह सुबह मस्त करके रेडी होकर मैं घर से निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। लेकिन हकीकत में गाइस मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ गाइस मस्त करके वाटर पार्क और वाटर पार्क के जगह गाइस मौज मस्ती करूंगा। जैसे गाइस ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी उसके बाद गाइस मैं चुपचाप से घर आ जाऊंगा और सिंचन से बोलूंगा कि सिंचन के बच्चे ये चेक कर भाई आ गया मैं ऑफिस से। बढ़िया यार क्या मस्त प्लान बना लेता हूं मैं। लेकिन गाइस ये कब तक चलेगा भाई, आई थिंक 2-3 दिन तक चलेगा, उसके बाद गाइस मैं नई जॉब ढूंढ लूंगा और नए ऑफिस में गाइस शिफ्ट हो जाऊंगा, ये सही रहेगा। अभी तो गाइस जा रहा हूं भाई मस्त करके वाटर पार्क में नहाने वाला हूं भाई, आज पूरे दिन मजा ही आएगा यार। अरे मेरी मेहनत तो रंग लेके आ गई, बहुत ही मजा आएगा अब तो मेरे को नहाने में। अब मेरे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं वाटर पार्क में जाके बहुत पैसा वेस्ट कर चुका हूं, इसलिए मैंने क्या सोचा यहाँ पर मैं खुद का वाटर पार्क बनाता हूँ और उसके बाद डेली नहाया करूंगा और पैसा भी कमाया करूंगा इस वाटर पार्क से। इसलिए मैं कल बहुत सारे बर्गर लाया, अब मैं यहाँ से मस्त करके बर्गर के ऊपर चढ़कर जंप लगा सकता हूँ। हो बहुत ही बढ़िया, अब चलो फटाफट से कूदते कूदते चलते हैं। ये लो और ये भी लो, बहुत बढ़िया मजा ही आ गया। कल अपने पापा जी को भी लेके आऊंगा यहाँ पे, वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब एक काम करता हूँ एक बार कूद के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये लो लग गई, वो तो अच्छी बात है मेरा शरीर इतना मोटा है, अगर मैं पतला दुबला पतला होता तो मेरी तो हड्डियां ही टूट जाती इतनी ऊपर से जंप लगा रहा हूं मैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने बर्गर की इतनी लंबी आईफिल टावर बनाई है, वहां पे भी जाऊंगा और उसके बाद वहां से डायरेक्ट पानी में जंप लगाऊंगा, वहां पर भी चलेंगे। लेकिन पहले ये बर्गर वाली तो दिखा दूं आखिरकार ये बर्गर वाली मैंने किस तरीके से बनाई है। सीढ़ियां बढ़िया करके ऐसे हम ऊपर भी जाते हैं और ऐसे नीचे आते हैं। चलो मजा ही आ गया, पहले पानी में कूद लेते हैं। 1-2-3 बढ़िया करके जंप लगा दी पानी के अंदर। बढ़िया, यहाँ का पानी भी ठंडा और नेचुरल है। और तो और अच्छी बात यह है कि इस पानी के अंदर मछलियां हैं, डॉल्फिन है, मेंढक है, पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं। चलो फटाफट से निकलता हूँ अब दूसरे वाले बर्गर के आईफिल टावर पे। अरे मेरी तो पूरी की पूरी हालत ही खराब हो गई, लेकिन जैसे तैसे करके मैं बहुत ऊपर पहुंच चुका हूँ। अभी मैं पूरी की पूरी 120 मंजिल पर हूँ, समझ रहे हो ना कितना ऊपर हूँ, बहुत ज्यादा ऊपर हूँ मैं। अगर यहाँ से मैं गिरा और जमीन पर गिर गया तो मैं खत्म हूँ, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर गिरा तो बच जाऊंगा। और बाप रे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, बहुत स्पीड से मैं नीचे गिर रहा हूँ। मैंने बर्गरों का आईफिल टावर बनाया है देख लो, रे 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 बचाओ मेरे हो, बचाओ बचाओ। रे बाप रे 120 मंजिल से जंप लगा दी, पानी में ही गिरना चाहिए वरना तो टाटा बाय बाय हो जाऊंगा। ये लो बहुत ही बढ़िया मजा ही आ गया, अब फटाफट से चल के फ्रैंकलिन को बुलाते हैं ताकि फ्रैंकलिन सिंचन भी यहाँ मौज मस्ती कर सके। अरे गाइस यार मैंने और चिंटू ने गाइस पूरा घर छान मार लिया, लेकिन गाइस हमको ना यार यहाँ पर फ्रैंकलिन भैया कहीं पर भी नहीं दिख रही। इसका मतलब गाइस फ्रैंकलिन भैया तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए। और गाइस आपको पता है हमारे स्कूल का टाइम था यार 8 बजे का स्कूल जाने का, लेकिन गाइस 8 तो कब के बज गई, इसका मतलब बल्ले बल्ले हमारी होगी स्कूल की छुट्टी। अब एक काम करता हूँ फ्रैंकलिन भैया की बाइक लेता हूँ और उसके बाद जाता हूँ। कल ना गाइस हल्क भैया ना वाटर पार्क बना रहे थे हमारे घर के जस्ट सामने, तो अभी चिंटू को लेके गाइस वहाँ पर निकलता हूँ। अगर उनका वाटर पार्क कंप्लीट हो गया होगा ना तो मस्त करके गाइस हम दोनों भाई वहाँ पर टाइम बिताने वाले हैं। यार मजा ही आ गया, फाइनली गाइस फ्रैंकलिन भैया का ऑफिस लग गया, मतलब फ्रैंकलिन भैया के ऑफिस खुल गए। अब तो फ्रैंकलिन भैया डेली ऑफिस जाएंगे और चिंटू और मैं यार स्कूल नहीं जाएंगे। और फ्रैंकलिन भैया से बोल दिया करेंगे हम तो स्कूल को यार गए भी थे और स्कूल से आ भी गए, फ्रैंकलिन भैया को क्या ही पता लग रहा है। अब चलो फटाफट से मैं दिखाता हूँ फ्रैंकलिन भैया का कह रहा हूँ हल्क भैया का वाटर पार्क ये चेक करो। हल्क भैया ने तो यार कंप्लीट भी कर दिया। हल्क भैया हमारे यार, ये चिंटू भाई तुझे क्या लगता है हल्क भैया हमसे पैसे लेंगे क्या? अरे नहीं चाचू वो हमसे क्यों पैसे लेंगे, हम तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे पापा भी तो इनके दोस्त हैं। अरे हाँ सही बोल रहे हैं, फ्रैंकलिन भैया भी बहुत अच्छे दोस्त हल्क भैया की, तो मुझे यकीन है हल्क भैया ने हमसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन हाँ अगर कोई और आएगा ना इनके वाटर पार्क में तो पक्का हल्क भैया उनसे पैसे लेने वाले हैं। अब चलो चलते हैं यार, ये किस टाइप का वाटर पार्क बना दिया हल्क भैया तुमने। ओहो सिंचन चिर कूट जल्दी आजा बेटा आजा, मैं तेरे को दिखाता हूँ आखिरकार मेरा वाटर पार्क है कैसा, बर्गर वाला वाटर पार्क बनाया है, बहुत ही ज्यादा खर्चा हो गया। चलो ऊपर दिखाता हूँ ऊपर से कैसे कूदते हैं यहाँ पर से। तो गाइस यार अभी मैंने यार बर्गर की एकदम चोटी पे आ चुका हूँ और गाइस आपको पता है यार वो जो सामने दिख रही हो वो गाइस वाटर पार्क है, वहाँ पर गाइस हम जाते थे यार नहाने के लिए। अभी गाइस मैं उस बिल्डिंग से भी ऊपर हूँ यार, बहुत ज्यादा ऊपर, पूरी की पूरी 120 मंजिल पर हूँ गाइस मैं। अब यहाँ से जंप लगाऊंगा, मेरे तो पैर कांप रहे हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा। गाइस मैंने जंप लगा दिया
दी इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। हाँ गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी कर दो यार। अरे कहीं मैं बर्गर पे ना गिर जाऊँ, अगर बर्गर पे गिराना तो गाइज बहुत तेज लगेगी, बर्गर पे गिरा तो। अरे 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 अलग भैया, अरे बाबरे मुँह फूट गया। लेकिन अच्छी बात ये है, ये जो बर्गर है गाइज, ये बर्गर यार गद्दे के हैं, इसलिए गाइज मेरे को कुछ लगा नहीं। अगर ये बर्गर लोहे के होते ना तो पता नहीं यार मेरे चेहरे का अभी तक क्या योग्य होता। अरे सुनचंद चिरकुट, ये बता आखिरकार तुझे मजा आया या नहीं आया, मेरा वाटर पार्क कैसा लगा तुझे? अरे बहुत ओपी यार, बहुत ओपी, मजा ही आ गया। ये लो पानी में भी जंप लगा दी। तो गाइज अभी आ चुका हूँ भाई मैं अपने फेवरेट वाले वाटर पार्क पे। गाइज यार इस वाटर पार्क की मेरे को यार काफी ज्यादा आदत हो चुकी है। गाइज अगर मैं एक भी दिन यहाँ पर नहीं आता ना तो गाइज मेरे को काफी अधूरा अधूरा लगता है, इसलिए गाइज मेरे को डेली यार यहाँ पर आना पड़ता है और यहाँ पर आके मौज मस्ती करनी पड़ती है। बढ़िया यार बढ़िया, क्या मजा आ रहा है स्लाइड करने में। प्रॉपर गाइज करीबन करीबन यहाँ पर 5-6 घंटे तो बिताने ही वाला हूँ मैं। और ये चेक करो, बढ़िया भाई पानी के अंदर जंप लगा दी। यार मेरे ऑफिस के कपड़े गाइज काफी महंगे यार, मैं इनके पहन के क्यों नहा रहा हूँ? अरे बाबरे, ये तो गाइज मैं काफी बड़ी गलती करता हूँ। एक काम करता हूँ, फटाफट से गाइज इन कपड़ों को उतार देता हूँ, उसके बाद नहाऊंगा। हाँ गाइज फिर मजा आएगा। और तो और मेरे कपड़ों को भी कुछ नहीं होना चाहिए यार, काफी महंगे कपड़े हैं यार ये। फाइनली गाइज अभी यार मैंने अपने कपड़े उतार दिए हैं, अब गाइज मैं नहा सकता हूँ भाई जितनी देर जितनी मर्जी, नो प्रॉब्लम गाइज, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है यार। अब मेरे कपड़े एकदम सही सलामत है। और तो और गाइज मैंने उन्हें सूखने के लिए भाई नीचे भी टांग दिया है। और गाइज एक बार यहाँ से नजारा देखो गाइज, क्या प्यारा आ रहा है यार। लेकिन ठंड भी लग रही है यार मेरे को कपड़े उतारने के बाद। गाइज सच में यार नहाने में ठंड लगती है। ये चेक करो गाइज, दोबारा से मैं जा रहा हूँ भाई स्लाइड करने के लिए। और गाइज आज तो वाटर पार्क पे मेरे अलावा कोई है भी नहीं। अगर गाइज मेरे साथ और ज्यादा लोग आते हैं ना तो गाइज पता है दिक्कत क्या होती है? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि गाइज मेरी ना ज्यादा बारी नहीं आती, सब लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं, एक एक करके नीचे जाते हैं, तो गाइज बारी काफी लेट में आती है। और जब हम अकेले होते हैं ना तो गाइज हमको लाइन में खड़ा होना ही नहीं पड़ता, मन मर्जी है गाइज, जब मर्जी ना लो जैसे मर्जी ना लो, कोई टोकने टोकने वाला ही नहीं है यहाँ पर तो। अरे लेकिन वेट गाइज वेट, मेरे को अचानक से गाइज एक काफी बड़ी चीज याद आ गई। गाइज घर पे ना काफी इंपॉर्टेंट पेपर है और वो पेपर गाइज मैंने ऐसे छोड़ दिए, वो हमेशा पेपर गाइज अर्मिला में रखे रहते हैं और भाई वहां पर रखे रहने भी चाहिए। लेकिन गाइज वो यार इंपॉर्टेंट पेपर कल रात मैं पढ़ रहा था और भाई वो मैंने ऐसे छोड़ दिए। अगर गाइज वो पेपर चोरी हो गए तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स गो, फटाफट से यार घर निकलता हूँ। लेकिन मेरे कपड़े कपड़े ऊपर रह गए, छोड़ो यार कपड़ों को बाद में आके ले लूंगा, पहले जाकर गाइज उन पेपरों को संभालता हूँ। अरे यार क्या करूँ, आखिरकार मैं घर से जाऊँ तो जाऊँ कैसे? पापा जी परमिशन देंगे या फिर नहीं देंगे? हल्क भैया ने वाटर पार्क बनाया, मेरे को बर्गर यहाँ से भी दिख रहे हैं, बहुत बड़ा बर्गर बना दिया फ्रैंकल भैया ने तो। फ्रैंकल भैया नहीं, सॉरी हल्क भैया, पापा से परमिशन कैसे लूँ यार, समझ नहीं आ रहा। पापा जी को पता लगा मैं वाटर पार्क जा रहा हूँ तो पक्का मेरी खाल उधेड़ देंगे। एक काम करता हूँ, चुपचाप से निकल ही जाता हूँ। बढ़िया, पापा जी देख नहीं रहे, पापा जी देख रहे मत मेरे को, मैं जा रहा हूँ और प्यार से जाता रहूंगा, बढ़िया धीरे धीरे करके जाऊंगा। मुझे आता है यार मेरे को पापा जी को परेशान करने में। पापा ने सुबह सुबह उठ के मना करा था कि घर से बाहर मत निकलियो, और मेरा यही टास्क है कि मुझे निकलना है घर से बाहर, चुपके चुपके निकल जाऊंगा, पापा जी को पता ही लगेगा, उसके बाद ऐसे चुपके चुपके घर में भी आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, निकल लेता हूँ फटाफट से। अंकल अंकल चुप रहना, अंकल अंकल चुप रहना, यहाँ पर कौन सा अंकल आ गया? और ये तो लिटिल सिंगम की आवाज है, और ये बाहर से आई है, देखो तो सही कहाँ चले गया, और यहाँ पर तो आंटी खड़ी है, इसने अंकल किसको बोला? लिटिल सिंगम ये ले, मैंने तेरे से मना करा था घर के बाहर कदम मत रखे, और तूने मेरे बोलने के बाद भी तूने घर के बाहर कदम कैसे रखे, ये भी ले, तूने घर के बाहर कदम रखे, इसका मतलब तू मेरे से पिटा। और बाबरे, मैंने घर के बाहर कदम रखे ही नहीं पापा जी। रखे रखे, तूने घर के बाहर ये ले कदम रखे, तेरे को गली पे भी नहीं आना था, समझ रहा है? तू गली में आया तो आया कैसे, इसका मतलब तेरे इरादे के थे कि तू घर से बाहर निकले, तू गया कैसे बाहर? और पापा जी सॉरी, मैं तो हल्क भैया के वाटर पार्क जा रहा था। वाटर पार्क, रुक अभी डंडा लेके आता हूँ, तेरे को भेजता हूँ वाटर पार्क। तो गाइस यार जो मेरे इंपॉर्टेंट पेपर थे ना वो सारे के सारे गाइस मैंने संभाल दिए। और गाइस आपको पता है अभी अभी मेरे पास हल्की कॉल भी आई, हल्क ने बोला है कि गाइस उसने यहाँ पर एक वाटर पार्क बना के तैयार करा है, इसलिए गाइस अपनी बाइक को लेके गाइस मैं इधर आ चुका हूँ। यार यहाँ पर तो मेरे को इतने बड़े बड़े बर्गर दिख रहे हैं, ये हल्का बच्चा इतने बड़े बड़े बर्गर लेकर कहाँ से आ गया? लेट्स गो भाई लेट्स गो। आई थिंक गाइस हमको इन बर्गरों के ऊपर जाना है और ऊपर से पानी में जंप लगानी है, पक्का गाइस ये टास्क होगा। लेट्स गो, फटाफट से मैं निकलता हूँ ऊपर और ऊपर से लगाऊंगा जंप। सच में यार जंप लगाने में तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बर्गर की ऊंचाई काफी ज्यादा है। तो लेट्स गो गाइस, अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ और आपको पता है गाइस अभी तो यार मैं ज्यादा ऊपर गया नहीं हूँ। गाइस ये जो आप बर्गर देख रहे हो ना, ये बर्गर भाई दूसरी लाइन भी है इन बर्गरों की, और भाई वो बर्गरों की लाइन काफी ऊपर तक जा रही है, बहुत ज्यादा ऊपर तक। गाइस अगर मैं वहां पर गया, वहां से मैंने जंप लगाई, तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा गाइस, इसलिए मैं ज्यादा ऊपर गया नहीं हूँ, ये छोटे वाले बर्गरों पर आ गया। यहाँ से गाइस जंप मार रहा हूँ और लेट्स गो, ये लो बढ़िया करके हेलमेट पहन के जंप मार रहा हूँ ताकि गाइस मेरे चोट भी ना लग जाए। और आई थिंक गाइस वहां पर सिंचन वगैरह भी खड़े हैं यार, चलो चलते हैं सिंचन के पास। अब सिंचन के बच्चे, ओहो ये तो फ्रैंकलिन की आवाज है, अब फ्रैंकलिन के बच्चे जहाँ भी है तो फटाफट से मेरे पास आ जा, मैं तेरे को प्लान समझाता हूँ आज का, आज हम पूरे दिन यही वाटर पार्क पर रहेंगे। अरे लेकिन फ्रैंकल भैया यहाँ पर कहाँ से आ गए, वो तो ऑफिस गई हुई थी। अरे भैया तुम्हें कहाँ दिख रहे हैं फ्रैंकल भैया? अरे दिख तो मेरे को भी नहीं रहे,
लेकिन अभी अभी मेरे को फ्रैंकलिन की आवाज आई थी। लो भाई गिर गया, अच्छी बात है किसी ने मेरे को देखा नहीं, अगर देख लेते तो बेइज्जती हो जाती, फिर फिसल गया यार मैं। अरे फ्रैंकलिन वो रहा नीचे, अरे फ्रैंकलिन तू मेरे को दिख गया, फ्रैंकलिन कीड़े चल भाई तेरे को ऊपर लेके चलते हूँ, वहां से हम सारे के सारे जंप लगाएंगे। अबे कहां ले जाने की बात कर रहा है तू मेरे को, अरे सबसे ऊपर चलेंगे बर्गर के। तो गाइस अभी हल्का बच्चा भाई मेरे को सबसे ऊपर लेके आ चुका है और ये बोल रहा है कि भाई हमको ना एक एक करके यहाँ से जंप लगानी है, अगर गाइस मैंने जंप नहीं लगाई ना तो ये मेरे को डरपोक समझेंगे, तो मेरे को जंप लगानी पड़ेगी। और लो गाइस मैंने जंप लगा दी, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, काफी स्पीड से गाइस मैं नीचे जा रहा हूँ। और बाप रे भाई मेरे को बस कुछ होना चाहिए, अरे बेस्ट ऑफ लक फ्रैंकल भाई कुछ नहीं होगा, अरे सिंचन डर लग रहा है। और ये चेक करो गाइस पानी के अंदर जंप भी लगा दी भाई मैंने, काफी ज्यादा डिफिकल्ट था गाइस, लेकिन कुछ भी कहो मजे आ गए गाइस। और हाँ गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई तो यार, फटाफट गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस प्यार वाला बाय।